अस्सलाम वालेकुम। वेल आज मैं आप लोग के लिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर। सो एडोबी इलस्ट्रेटर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि फोटोशॉप ज्यादा बेहतर है, इलस्ट्रेटर इतना अच्छा नहीं है, या इलस्ट्रेटर अच्छा है फोटोशॉप अच्छा नहीं है। वेल वी कैनॉट कंपेयर, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिकॉज देखें, एडोबी एक ही कंपनी है जो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स बना रही है, तो ऑब्वियसली वो एक ही कंपनी अपने दोनों सॉफ्टवेयर्स के आपस में जंग तो नहीं ना करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रखें, ये दोनों अलग सॉफ्टवेयर हैं, और फोटोशॉप का अलग काम है, उसमें फोटो एडिटिंग वगैरह होती है। इलस्ट्रेटर का अलग काम है, इलस्ट्रेशन होती है, वेक्टर इलस्ट्रेशन। नाउ वेक्टर और रास्टर क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में डेफिनेटली समझाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लें कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोगो डिजाइन, आइकन्स और इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें, इनफैक्ट अगर बड़े लेवल पे जाएं तो आप बहुत सारा कुछ इसमें डिजाइन कर सकते हो। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चला हुआ फ्लैट डिजाइन का। मैं पर्सनली बहुत सारी मोबाइल एप्स इलस्ट्रेटर पर ही बना चुका हूँ। सो इलस्ट्रेटर हैज बिग स्कोप। ये अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें आपका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन अर्न मनी, आप ऑनलाइन जाकर के पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर है, आई डोंट रिकमेंड फाइवर, बहुत कम पैसे मिलते हैं, 99 डिजाइन है। सो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो ये आपका इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है, एंड अगर आप देखें तो बहुत हद तक फोटोशॉप अगर आप लोगों ने देखा हो तो उससे बहुत कुछ हद तक मुशाबहत है इसकी। यहाँ अगर आप देखें, सबसे पहले आपके पास लेफ्ट साइड पे ये एक टूल बार है, और इस टूल बार में आपके पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिसको आप वक्तन फवक्तन यूज करेंगे डिफरेंट कामों के लिए। एंड सी इंटरफेस इलस्ट्रेटर का बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप इन चीजों को अपनी जगह से मूव भी कर सकते हैं और वापस जाके लगा भी सकते हैं। यहाँ राइट साइड पर आपके पास ये जो है ये टूल बार नहीं है, ये पैनल्स कहलाते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये जो दो छोटे से एरोज हैं इनको अगर आप खोल लें तो आपके पास काफी डिटेल्ड चीजें आने लगेंगी, अगर ये आपको इरिटेट ना करे तो ना। अगर आपको स्क्रीन स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको बंद ही रखें ना। चले स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ ना। अब फाइल जब आप न्यू लेते हैं तो ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या साइज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मैं इलस्ट्रेटर सीसी 2017 यूज कर रहा हूँ। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें भी लगभग इसी तरह की चीजें आपको मिलेंगी डेफिनेटली। सो यहाँ पर कुछ कस्टम साइजेस, ये वो साइजेस हैं जो मैंने रिसेंटली यूज किए थे, और अगर आप अपना कुछ सेव करके रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ मोबाइल डिवाइसेस भी दी हुई है, वेब के लिए भी काम आप कर सकते हैं, प्रिंट फिल्म टीवी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट कार्ड का साइज आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है। अगर आप प्रिंट वाले में आ जाए, यहाँ से मैं सिंपली A4 या लेटर साइज में ले रहा हूँ, और अगर आप यहाँ देखें तो उसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पर आ रही है। अगर आप कैलकुलेशन लाइक मेजरमेंट्स वगैरह जब आप करेंगे तो आप अपने यूनिट्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, और आप अंदर जब आप ले लें एक न्यू फाइल उसके बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं अभी इसको इंचेस पे रख रहा हूँ, एंड लेट्स क्रिएट। या नीचे कुछ और डिटेल्स हैं, मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी इस वक्त आप लोगों को ऐसा चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, ऑलराइट, क्रिएट। सो ये आ गया मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट, और ये है लेटर साइज। अगर आपने देखा हो कि जब मैंने न्यू ले रहा था फाइल, तो यहाँ पर आपके पास एक और चीज आ रही थी, आर्टबोर्ड्स। अगर आप मल्टीपल पेजेस चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, लाइक मुझे दो पेजेस चाहिए या तीन पेजेस चाहिए या चार पेजेस चाहिए। एंड जैसे मैं क्रिएट करूंगा, लेकिन आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें चार पेजेस होंगे। नाउ अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ से हम शुरू करते हैं सिंगल पेज से। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टूल बार से। देखिए आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल, सबसे पहला पहला जो टूल आपको दिया हुआ है ये कहलाता है सिलेक्शन टूल। अगर आप देखें तो ब्लैक एरो बना हुआ है, या इसके बराबर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जो कि वाइट एरो है। इनको यूज करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आप अपने पहले दायरे कुछ शेप बनाएंगे तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। राइट, सबसे पहले एक और चीज के यहाँ पर जितने भी टूल्स दिए हुए हैं जिनके साथ एक छोटा सा एरो आपको बना हुआ दिख रहा है, ये जो एरो है ये शो करता है कि इसमें मजीद टूल्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखूँ तो आपके पास ये मेन्यू खुला हुआ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेक्टेंगल। नाउ ये टूल एक ऐसा टूल है जो कि आप लोगों ने कई मरतबा यूज किया होगा, इवन पेंट में भी, अगर माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने यूज किया उसमें भी आप लोगों ने एक सिंपल सा बॉक्स बनाया ही होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, आप सिंपली रेक्टेंगल इसमें बना सकते हैं। अब इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आप खाली क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये आपसे साइज खुद पूछेगा। मैं कैंसिल कर रहा हूं, दो तरीके हैं, एक क्लिक करके ड्रैग करना। नाउ क्लिक ड्रैग, ड्रैग एक वर्ड मैं जब जब यूज करूंगा ये समझ लीजिएगा कि आपने क्लिक करके रखा हुआ है और माउस को खींच रहे हैं, और जब आप रिलीज करेंगे तब वो चीज कंप्लीट होगी। रिलीज से मुराद माउस का बटन छोड़ेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहां से क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ और रिलीज करता हूँ, सी ये एक आपका रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्क्वायर बनाए,
नाउ स्क्वायर बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है एंड देन ड्रैग करें। अब आप कुछ कर लें, कहीं पर भी चले जाएं, ये आपको सिर्फ एक स्क्वायर बना के देगा। कोई साइज का वो मसला नहीं है कि किसी साइज में बना के देगा, ये जितना आप बड़ा कर लें या छोटा कर लें, ये आपको रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर देगा। अब स्क्वायर आप सबको पता होगा कि क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर खाली क्लिक करके छोड़ दूँ तो ये मुझसे साइज पूछेगा, विड्थ एंड हाइट, राइट। अगर मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ सपोज 3 इंचेस और हाइट दे देता हूँ 4 इंचेस और ओके, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं 3 बाय 3 इंचेस देना चाह रहा हूँ तो 3 बाय 3 इंचेस ये आपका एक स्क्वायर बना के देगा, ठीक है। अंडू, कंट्रोल जेड अंडू। वैसे आप लोगों का दूसरा हाथ बहुत ज्यादा यूज होगा, कई मरतबा ये होगा कि आपने कंट्रोल प्रेस करना होगा, कई मरतबा शिफ्ट, कई मरतबा ऑल्ट, कभी इन सबको एक साथ भी यूज करना होगा। सो मैं वक्त वक्त आपको बताता रहूंगा कि कीज कौन सी दबानी है। अच्छा जी, सो शेप पर मैं क्यों आया था, क्योंकि जाहिर है हमें देखना था सिलेक्शन टूल। मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया। अब अगर आप यहां पर आ जाएं सिलेक्शन टूल पे, सिलेक्शन टूल का असल काम क्या है, सिलेक्शन टूल का काम जाहिर है सिलेक्शन है, मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये देखें आपको इसके गिर्द ये एक बॉक्स दिख रहा है, ये कहलाता है बाउंडिंग बॉक्स। इस बाउंडिंग बॉक्स में छोटे छोटे से ये जो और बॉक्सेस दिख रहे हैं ये कहलाते हैं रीसाइज हैंडल्स। अब इनके साथ साथ कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। मुझे ये करना है कि मुझे इसको जरा जूम करके देखना है, याद रखिएगा जूम करके देखना और साइज बड़ा करना, इन दोनों में फर्क होता है। जूम करके देखना मतलब आप करीब करके देख रहे हो या बड़ा करके देख रहे हो, आप उस चीज का साइज बड़ा या छोटा नहीं कर रहे हो। अब जूम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक जूम टूल दिया हुआ है। अगर मैं जूम टूल लेता हूँ, देखिए मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है जिसके बीच में प्लस साइन है। अगर मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ तो इसमें ये प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, जैसे मैं छोड़ूंगा ये फिर प्लस में आ जाएगा। सो अगर मैं क्लिक करूं तो ये आपको बड़ा करके दिखा रहा है। दूसरा एक तरीके का ये है कि मैं ज्यादा आसान तरीके का ये है कि आप ऑल्ट का बटन दबाएं और अपना माउस का स्क्रॉल भी घुमाएं। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो आपका जूम आउट होगा, अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका जूम इन होगा। मैं सबसे ज्यादा ये यूज कर रहा था। या दूसरा एक और तरीका है कि कंट्रोल और स्पेस बार दबाएं तो वक्ती तौर पर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास या आपका जूम टूल आ जाता है। ओके, आप चाहे किसी भी टूल पर हो, स्पेस बार दबाएंगे आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। इससे ये होगा कि आप अपने आर्टबोर्ड को पैन कर सकते हैं, यानी इधर उधर मूव करके देख सकते हैं। याद रखिएगा आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे पेज को या आर्टबोर्ड को मूव करके देख रहे हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपके पास जो ये रीसाइज हैंडल्स आ रहे हैं, इन रीसाइज हैंडल्स का काम क्या है कि आप जाहिर है इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी की नहीं प्रेस करेंगे तो आप इसको फ्रीली किसी भी तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सेम प्रोपोर्शन में महफूज रहे और साइज बड़ा हो या छोटा हो, तो प्लीज शिफ्ट जरूर दबाइएगा। शिफ्ट दबाने से फायदा ये है कि आपका स्केल अप या स्केल डाउन जो भी आप करेंगे ये प्रोपोर्शनली होगा। प्रोपोर्शनली से मुराद जो आपका विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रेक्टेंगल होता इस तरह का और फिर मैं शिफ्ट के साथ रिसाइज करता तो ये उसी डायमेंशंस में मतलब उसी प्रोपोर्शन में रहता और छोटा या बड़ा किया जा सकता था। मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, याद रखिएगा शॉर्टकट। ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। नाउ सिलेक्शन टूल का दूसरा काम क्या है? पहला काम यही था कि सिलेक्शन करना, दूसरा काम ये था कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, तीसरा काम आप मूव कर सकते हैं। आप इसको जहां उठा कर रखना चाहें आप इजीली इसको मूव करके रख सकते हैं। चौथा काम रोटेट। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इस रीसाइज हैंडल के थोड़ा सा बाहर आऊं तो देखें आपका कर्सर थोड़ा सा यूं टिल्ट सा हो रहा है, और इस दौरान अगर मैं क्लिक करके चलाऊं तो ये देखें ये घूमना शुरू हो जाएगा और आप इसको किसी भी एंगल में घुमा के रख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज, अगर इसमें भी मैं घुमाते हुए शिफ्ट दबा दूं तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेट होगा 45 डिग्री के डिफरेंस से। सो 45 डिग्री अगर आप करना चाह रहे हैं तो यू कर ले शिफ्ट के साथ, अगर हम 90 डिग्री करना चाह रहे हैं तो और मजीद घुमा ले ना। एक और इंपॉर्टेंट सा काम, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो ये आपको आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के देगा। ना कॉपी बनाने का फायदा क्या है कि आप इसको जब चाहें कॉपी बना के रख लें। वैसे तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो शॉर्टकट है कॉपी पेस्ट के वो भी यूज कर किए जा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको ड्रैग करके अपनी मर्जी से जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं। एक चीज, एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कंट्रोल डी। नाउ कंट्रोल डी क्या करता है, आपके सिलेक्शन टूल से जो भी काम आप करेंगे उसको रिपीट करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को इतना मूव किया,
अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो ये उसी डायरेक्शन में उसी एंगल से उसी फासले से ये इसको मजीद मूव करता रहेगा जितनी बार मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। प्लीज कंट्रोल डी पे हाथ रख के भूल मत जाइएगा वरना ये भाग जाएगा। ठीक है नाउ अगर मैं इसको कॉपी लेता हूं, अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉपी ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी है यानी बिल्कुल इसकी सीध में, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए बीच में कहीं शिफ्ट दबा दें। अब शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि ये स्ट्रेट मूव होगा। सो अगर मैं नीचे लाऊं ठीक है तो ये 45 डिग्री पर आएगा और नीचे लाऊं तो ये वर्टिकली आने शुरू हो जाएगा। सो अगर आप यूं इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो यूं कर लें। अब कंट्रोल डी जैसे मैंने बताया था कि सिलेक्शन टूल से आप जो भी काम करते हैं वो रिपीट करता है। सो अगर इस सूरत में मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूं आपको दिखाऊं क्या होता है। सी ये सिलेक्टेड है इसको डी सेलेक्ट मत कीजिएगा, कंट्रोल डी प्रेस करके देखें क्या होता है, ये उसी की मजीद कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। सो अगर मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके पूरे की कॉपी लेता हूं वही ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड देन फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं, सी बहुत ही आसानी से आपने ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना दिया। ठीक है जी राइट अगर आप सेलेक्ट इन सब को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल शॉर्टकट है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए आप कहीं पर भी रहते हुए करें सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट पर भी हैं वेब पेज पर भी हैं कंट्रोल ए करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इलस्ट्रेटर में भी कंट्रोल ए अगर आप करते हैं तो सेलेक्ट ऑल, ठीक है, या तो आप चाहें तो अपने सेलेक्शन टूल से इस तरह से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ना अगर आप सिर्फ इतना सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट करें एंड डिलीट करना चाह रहे हैं मूव करना चाह रहे हैं आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये नीचे की एक रो सेलेक्ट करूँ और उसके बाद ये वाली रो छोड़ करके ये वाली रो सेलेक्ट करूँ, सिर्फ देखें अगर मैं इसको सेलेक्ट करने लगता हूँ तो मेरा पिछला डी सेलेक्ट हो जाता है, सही है, तो मुझे इन सब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबाता हूँ और इस पर ड्रैग करता हूँ, देखें अब ये और ये सेलेक्ट हो गया ये सेलेक्ट नहीं है। ठीक है सिमिलरली मैं एक एक रो छोड़ करके सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये आपके पास से डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों को करना। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, लेट्स सी हमारे पास दूसरे क्या शेप्स के साथ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक दिया हुआ है पॉलीकॉन और मैं एक सिंपल सा ये पॉलीकॉन बना रहा हूँ जो कि हेक्सागॉन है, सिक्स साइड्स हैं। बाय द वे अगर आप इसके साइड्स वगैरह देखें तो आप अगर क्लिक करते हैं तो ये आपसे खुद पूछ लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है और कितनी साइड्स आपको चाहिए। अगर आप इवन ट्रायंगल भी बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई भी यहाँ फील्ड जिस तरह से आ रही है इसमें अगर आप क्लिक करके अपना स्क्रॉल व्हील ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल व्हील सबको पता है माउस के ऊपर एक छोटा सा व्हील होता है एंड अगर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज होना शुरू होंगे। बहरहाल मैं अभी इसको इसी सिक्स साइड्स पर ही चला रहा हूँ। बनाने के बाद फौरन प्लीज अपना सिलेक्शन टूल ले लिया करें और मैंने इसको थोड़ा सा ज़ूम किया। अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसकी एक ले रहा हूं कॉपी, ठीक है, और ज़ूम आउट करके मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी भी मैंने एक कॉपी ली लेकिन शिफ्ट के बगैर मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं इसको इसके अंदर फिट करना चाह रहा हूं कुछ इस तरह। ओके अंडू कर रहा हूं, मैं दोबारा से ले रहा हूं, जूम करके कर लिया करें ताकि बड़ा बारीकी से काम हो। इलस्ट्रेटर आपको 6400% बल्कि आप तो ये सीसी वाला जो वर्जन है ये 64000% सी मैं मैक्सिमम जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये 64000% आपको जूम दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप बहुत ही बारीकी में जाकर के अपना काम कर सकते हैं। ये 64000% जो है सीसी जो वर्जन है उसमें है पॉसिबल, पुराने वर्जन में 6400% होता है जो कि वो भी बहुत ज्यादा है। एनीवेज मैंने ये दोनों कॉलम्स इस वक्त सेलेक्ट किए और अब मैं दोबारा से इसकी कॉपी ले रहा हूं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, सही है, ताकि ये बिल्कुल सीध में कॉपी हो और अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं। सी दिस कितना अच्छा बी हाइव छत्ता शहद का वो वाला पैटर्न बन गया। सो इस पूरे को अगर आप छोटा करना चाहें या जो भी करना चाहें आप कर सकते हो। नाउ इसके साथ साथ मैं बस आज की आखिरी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, आपके टूल बार में या नीचे दो बॉक्सेस दिए हुए, ये कहलाता है फिल और ये कहलाता है स्ट्रोक। फिल क्या चीज है, जो आपके ऑब्जेक्ट में अंदर कलर दिख रहा है, ठीक है, और स्ट्रोक क्या है, जो उसकी आउटलाइन आपको दिख रही है। तो अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो आप सिंपली स्ट्रोक पे क्लिक करें
और यहाँ आपके पास कलर्स का पैनल आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इस पैनल को खोल लें, या ये आपके पास स्वाचेस दिए हुए, स्वाचेस में बने बनाए कलर्स हैं। इन सबसे कंफ्यूज होने से बेहतर है अगर आप यहाँ पर ही स्ट्रोक पर ही डबल क्लिक कर लें, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक ग्रे कलर, और इसके फिल में क्लिक करके डबल क्लिक कर रहा हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे दे, बल्कि डार्क ग्रे दे रहा हूँ। बराबर हो गया, थोड़ा सा इसको और डार्क कर रहा हूँ। सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, अब अगर बीच में से आप कुछ चीजों का कलर यानी कुछ शेप्स का कलर चेंज करना चाह रहे थे, मैं शिफ्ट के साथ साथ रैंडमली मुख्तलिफ शेप्स पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि वो सेलेक्ट होते जा रहे हैं। अगर इनको मैं रेड करना चाहूँ, अब देखें यहाँ पर ये आपका जो कलर पैनल है इसको जरा खोल लेते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया, अब ये जहाँ जहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो सारे रेड हो गए। आई थिंक अच्छा लग रहा है ना अभी के लिए, पहली क्लास है। ऑफ कोर्स यार आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाने वाले हैं, अभी के लिए मैं बहुत हल्का हाथ रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग सारे कंफ्यूज होकर डर के भाग जाएं। जिनको पहले से इलस्ट्रेटर आता है मुझे पता है उनके लिए बहुत बोरिंग सी क्लास रही होगी, लेकिन जिनको नहीं आता ये एक्चुअली उनके लिए था एंड आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। सो आज की क्लास मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और साथ देखेंगे डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है। कुछ चीजें जाहिर है मैं स्किप करके आगे बढ़ाऊँ, मुझे पता है मैं बहुत धीरे धीरे चलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत बोरिंग सी क्लास रही होगी बहुत सारों के लिए, लेकिन जिनको नहीं आता बिलीव मी उनके लिए बहुत ज्यादा काम है आज के लिए। सो मैं चाहूंगा कि इतना भी बहुत है, आप इतना इसको देखें अभी, इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मुझसे पूछें, मैं डेफिनेटली आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी ये वीडियोस कंटिन्यूस आपको फॉरन अपडेट्स मिलते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों को बहुत जल्द मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। थैंक यू।